अस्सलाम वालेकुम आप में से किसी को मेरी आवाज़ अगर ऑडिबल है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स आई थिंक थोड़ा सा लैग है बट विल विल बी एबल टू मैनेज अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम सारा हुसैन ख्वाजा है और आज हम एक्चुअली देखने वाले हैं कि यूके की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन और स्कॉलरशिप्स का क्या प्रोसीजर है नॉर्मली ये सेशन होना था एज अ लाइव सेशन ऑन द स्कॉलरशिप नेटवर्क पर कुछ टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से हम इसे पहले यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके बाद एल शेयर इट ओवर द कोई भी क्वेश्चन हो कोई भी क्वेरीज हो तो यू कैन पुट इट डाउन इन द कमेंट्स और फिर हम उन्हें देख लेंगे वी कैन आंसर दम लाइक टर्न Or we can answer each of them like in a separate video session or whatever is feasible for everyone. Alright. So let's start with our presentation. Bismillah rahman rahim. as you all know now. Or may Queen Mary University of London? I major masters mein, masters, or may major hai biomedical engineering? तो ये मेरा ब्रीफ़ इंट्रो है एट द मोमेंट एंड मैंने अपना बैचलर्स किया है 2018 में मैं पास आउट हुई हूँ फ्रॉम मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो जाम में है आई डिड माई बैचलर्स इन बायो मेडिकल इंजीनियरिंग और यहाँ पे मास्टर्स भी मैं बायो मेडिकल इंजीनियरिंग में ही कर रही हूँ मेरे स्पेशलाइजेशन के एरियाज़ हैं बायो मेडिकल और मेडिकल रोबोटिक्स Uh, medical device design and signal processing. So I think that's enough from from my side. Let's see. Now we have to move on to our presentation. So yeah. So now my presentation ka structure that I have divided it into almost like six sections. we will discuss ki university select university. क्या क्या पैरामीटर्स क्या क्या फीचर्स हमें जहन में रखना जरूरी है अबाउट अ यूनिवर्सिटी और उसके बेसिस पे हम अपना सिलेक्शन करें सेकंड जो पॉइंट है वो है रिक्वायरमेंट्स फॉर एडमिशन एक आइडियल कैंडिडेट में और एक लाइक like, uh, एक एप्लीकेशन जो एक्सेप्ट हो जाती है उसमें ऐसे कौन कौन से फीचर्स होते हैं सो विल डिस्कस अबाउट दैट और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपको पूरी करनी होंगी ऑन योर ओन पर्सनल साइड देन ऑब्वियसली फंडिंग का क्वेश्चन आ जाता है स्कॉलरशिप्स सो so, कुछ इंटरनल हैं कुछ एक्सटर्नल होती हैं इंटरनल मीन्स लाइक विद इन यूनिवर्सिटी जो जो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती हैं कुछ एक्सटर्नल होती हैं जो थर्ड पार्टी प्रोवाइड करती हैं आपको स्टडी करने के लिए थोड़ा सा हम उसे भी कवर करेंगे उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि डेवलपिंग योर अकेडमिक प्रोफाइल कि आप अपनी अकैडमिक प्रोफाइल को आप अपनी सी को जैसे किस तरह डेवलप करते हैं क्योंकि आपका कॉम्पिटिशन फॉर स्कॉलरशिप सिर्फ पाकिस्तान के स्टूडेंट से नहीं होता है आपका कॉम्पिटिशन दुनिया के दुनिया भर के स्टूडेंट से होता है जो यहाँ स्टडी कर रहे हैं लाइक साउथ ईस्ट एशिया में है यूरोप में है यूएस में है तो हमें एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल चाहिए होती है ताकि हम उन सब में स्टैंड आउट कर सकें कुछ हमारे बारे में या कुछ हमारी एप्लीकेशन में समथिंग डिफरेंट हो समथिंग पर्टिकुलर हो फिर हम देखेंगे रिसर्च ट्रेंड्स इन इंजीनियरिंग करेंटली अभी जो हमारा पेंडेमिक चल रहा है कोविड नाइन्टीन उसकी वजह से बहुत एक चेंज आ जाएगा रिसर्च में बट करंटली जो है वी कैन डिस्कस दिस एंड हम फिर वो ये भी देख सकते हैं कि इस तरह के पैनडेमिक्स या इस तरह के ग्लोबल इवेंट्स की वजह से रिसर्च ट्रेंड्स में किस तरह फर्क आता है एंड देन आई है लाइक अ क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन फॉर 20 मिनट्स बट ये फिर हम कमेंट्स में लाइक like, कवर कर लेंगे तो आई थिंक वी विल जस्ट लीव दिन आउट so let's start with the first section which is selecting our university now university को select करने का क्या तरीका होता है normally हमारा यही होता है कि हम ranking देखते हैं सिर्फ ranking देखी top में है we just applied for it but कभी कभी ऐसे भी होता है कि जो हमें research area चाहिए होता है वो उस university में होता ही नहीं है और हमारा admission scholarship सब procedure हो जाता है फिर हमें पता चलता है तो ऑब्वियसली आप रैंकिंग में देखें आप देखें कि टॉप फिफ्टी टॉप हंड्रेड में कौन सी यूनिवर्सिटीज आ रही हैं फर्स्टली उनको टारगेट करें पर उसके अलावा भी कुछ फीचर्स हैं जो हमें देखने चाहिए सेकेंड हमारा जो पॉइंट है वो है मॉड्यूल्स मॉड्यूल्स यानी जिन्हें हम पाकिस्तान में सब्जेक्ट कहते हैं उन्हें यहाँ पे मॉड्यूल्स कहते हैं कुछ मॉड्यूल्स uh, हमारे पास कंपलसरी होते हैं और कुछ इलेक्टिव यहाँ यानी ऑप्शनल होते हैं कि आपके पास एक चॉइस होती है आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं तो ऑलवेनिज एव लुक कि वो यूनिवर्सिटी क्या मॉड्यूल्स ऑफर कर रही है और क्या वो आपके रिसर्च इंटरेस्ट के साथ मैच करते हैं या नहीं क्योंकि अगर आपका रिसर्च इंटरेस्ट मैच नहीं करेगा तो आई थिंक इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट कि आप आपको सब्जेक्ट सही तरह कवर कर सकें क्योंकि मास्टर्स हमें नॉर्मली यही होता है कि मेरिट पे या तो क्लियर करनी होती है या डिस्टिंगशन पे तो उसके लिए मार्क्स का और लाइक like, इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है

उसे कवर कर रहे होते हैं हमने पास्ट का सब पढ़ा हुआ होता है पर हमें लेटेस्ट ट्रेंड्स का नहीं पता होता कि क्या जा रहा है यहाँ पे मॉड्यूल्स में आपको ना सिर्फ थोड़ा बहुत पास्ट का देखना पड़ता है बल्कि प्रेजेंट का भी देखना पड़ता है कि अभी रिसर्च किस तरफ रही है तो इट्स बेटर कि आपको आप वही वाला मॉड्यूल सेलेक्ट करें यहाँ पे वही लाइक इलेक्टिव मॉड्यूल आपके पास ऑप्शनल हो जिसमें आपकी पहले से ग्रिप हो क्योंकि एक चीज को नए सिरे से स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है Now मूविंग ऑन टू रिसर्च थीम अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जैसे रोबोटिक्स में specialized हैं कुछ हैं जो नहीं हैं फॉर example मेरे सुपरवाइज़र ने मुझे बताया था कि यूनिवर्सिटी ऑफ Sheffield उनमें उस में उसमें रोबोटिक्स उस का एक स्ट्रॉग मतलब रिसर्च uh, थीम है बट इफ़ आई गो फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ शेफी हलम तो वहाँ पर रोबोटिक्स इतना स्ट्रांग नहीं है ना वहाँ पर पब्लिकेशन इतनी स्ट्रांग है ना वहाँ पर फैक्ल्टी ऐसी है जो रोबोटिक्स में ज्यादा इन्वॉल्व रही हो तो आप अपने रिसर्च थीम को यूनिवर्सिटी के साथ मैच करना भी थोड़ा सा कंसिडर करें बिफोर सेलेक्टिंग और बिफोर जम्पिंग ऑन द बैगन ना उसके अलावा हम देखेंगे फैकल्टी रिसर्च आउटपुट रिसर्च होती है एक हम सिंपल पब्लिकेशन आ रही हैं ठीक है पर यह भी हमें देखना है कि क्या ऐसी रिसर्च है जो लाइक like, मैटर करती है वर्ल्ड में अभी फॉर एग्जांपल अगर आप आपकी नैनो मटेरियल्स पे आ रही है रिसर्च तो नैनो मटेरियल्स पाँच साल पुरानी चीज़ हो चुकी है अब उससे आगे चीजें बढ़ चुकी हैं तो आपको देखना चाहिए कि ऐसी इम्पोर्टेंट ऐसी रिसर्च आ रही है जो आगे के लिए फायदेमंद हो जिसका आगे कुछ स्कोप हो या नहीं स्कोप है या नहीं है तो वो आपको थोड़ा सा देखना होगा रिसर्च आउटपुट और रिसर्च इम्पैक्ट दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके अलावा हमारे पास एक है पोस्ट ग्रेजुएट टॉट और पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च का ऑप्शन यहाँ पे यूके में मास्टर्स दो टाइप के हैं एक है पोस्ट ग्रेजुएट टॉट और दूसरा है पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च पोस्ट ग्रेजुएट टॉट में ये होता है कि आपके दो सेमेस्टर्स होते हैं उसके बाद आपका थीसिस या प्रोजेक्ट या डिसर्टेशन होती है पोस्ट ग्रेजुएट सॉरी पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च में ये होता है कि आपको रिसर्च uh, पे ज़्यादा टाइम देना होता है फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो प्रोजेक्ट होता है वो आपकी मार्किंग का या डिग्री का मेन पार्ट होता है और जो आपके मॉड्यूल्स होते हैं वो लाइक वन लाइक फॉर वन सेमेस्टर टू मॉड्यूल्स होंगे फॉर सेमेस्टर बी आपके पास दो और मॉड्यूल्स होंगे या दो और सब्जेक्ट्स होंगे तो इस चीज़ पे भी आपको देखना होगा कि अगर आप ऑलरेडी मास्टर्स कर चुके हैं पाकिस्तान में और आप देखना चाह रहे हैं यूके में फिर से मास्टर्स करने का तो आप पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च की तरफ ऑप्ट करें पर अगर आपकी ये फर्स्ट मास्टर्स है तो आई वुड सजेस्ट कि आप पोस्ट ग्रेजुएट टॉट में जाएं वो इजी भी होता है क्योंकि उसमें आपका आपके डिसर्टेशन भी कवर हो रही है आपके मॉड्यूल्स भी कवर हो रहे हैं और आपको एक वैरायटी भी मिल जाती है सो आई एक्चुअली वेंट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टॉट और जो लास्ट ऑप्शन है वो है लोकेशन नॉर्मली uh, हमें एज अ पाकिस्तानी आई होप आई थिंक इतना मसला नहीं होता है बट कुछ भी कुछ लोगों को ये होता है लाइक एक प्रेफरेंस होती है कि हम वहाँ पे सेटल हो जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी हो और हलाल फूड्स की अवेलेबलिटी हो तो ऐसा लाइक यहाँ पे कोई इन पर्टिकुलर कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आपको अवेलेबलिटी ना हो यहाँ पे सारे स्टोर्स हैं जहाँ से आपको हलाल फूड मिल जाएंगे इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ से आपको खाना ईजीली अवेलेबल होगा तो लोकेशन आप देख सकते हैं लाइक इतना ज़्यादा रिमोट एरिया ना हो कि यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन के अलावा कुछ और है ही नहीं पूरे एरिया में तो इट कैन बी बिथ लोनली बड़े शहरों में लाइक लंडन या फिर आ, किसी और लाइक बर्मिंग या मैनचेस्टर मैंच, में आप जाएंगे तो वहाँ पे पाकिस्तानी कम्यूनिटी भी होती है इन केस आपको कोई हेल्प वगैरह चाहिए या फिर स्टोर्स वगैरह या व यू नीड तो वहाँ पे ईजी हो जाएगा आपको अगर हम लाइक स्मॉल सिटीज की तरफ जाते हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज जैसे गांव देहात की तरफ भी होती हैं तो वहाँ पे कम्युनिटी मतलब होती है पर बहुत वाइडली स्कैटर्ड होती है तो इट डिपेंड्स ऑन क्या आपकी लाइक like, प्रेफरेंस है आप किस तरह के माहौल में जाना चाहते हैं और फिर उसके हिसाब से यूनिवर्सिटी भी सिलेक्ट करें सो दीज आर लाइक टू फैक्टर्स मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड इसमें से भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन लाइक पुट इट ऑन In the comments, and then I will let you know. Like, then I'll answer all the questions. Iskilavi, if you have to go to the book, or koi features or select Karneke University, so many in Che basis Vikiata. Is says Yada, I think it's not relevant, baat hai. but if you come across koi key or cheese like or important factor, so you can like share it on the group. Or UK, hot Muslim friendly country. Hai. You can like go out and hijab and everything, and nobody would say anything. Just I concept or a Yes, I currently concept develop hoa. so it's not like that. Now moving on to our next slide. Now, ab hum dekhenge ki ek British university mein apply karen ke liye hume kya kya chahiye hoti hai. तो फर्स्टली तो हमारी है ट्रांसक्रिप्ट यानी आपको अपने अंडर ग्रेजुएट का रिजल्ट आपके हाथ में हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं नॉर्मली जैसे यूएस की यूनिवर्सिटीज़ में है कि आपने सेवन सेमेस्टर क्लियर किया और आपने अप्लाई कर दिया वो यहाँ की ज़्यादातर लाइक नाइन्टी परसेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए अपलिकेबल नहीं है आप अप्लाई कर भी देंगे आफ्टर सेवन सेमेस्टर तो बहुत ही मुश्किल है कि आपको कंडीशनल लेटर मिले या फिर कंडीशनल लेटर्स लाइक आपकी सेवन सेमेस्टर्स की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि दे बिलीव कि आप एट सेमेस्टर में भी अच्छा कर लेंगे तो यू कैन गेट इट बट यूजली ट्रांसक्रिप्ट होना जरूरी होता है देन यू हैव लाइक सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश प्रोफिशंसी तो ये आयल्स भी हो सकता है टॉफ़िल भी हो सकता है अब अगर हम देखें आयल्स और टॉफल को तो आयल्स में ज़्यादातर हमें चाहिए होता है सिक्स पॉइंट फाइव फॉर मोस्ट ऑफ़ द यूनिवर्सिटीज इम्पीरियल लाइक सेवन एंड सेवन पॉइंट फाइव मांगती हैं But 6.5 is covered to universities' And our 6.5 means 6.5 in each section, like writing, reading, speaking, and listening. So, section all section covered. And 6.5 is like the minimum requirement. 7 and 7.5 are considered ideal. So, if your 7.5, you are like well and well, like good to go. Ah, you can also take TOEFL too, because some students find TOEFL easy. In the IELTS' accents are. कुछ स्टूडेंट्स को समझ नहीं आते हैं स्पेशली इन द लिसनिंग पार्ट तो टॉफिल में ये होता है कि दे यूज़ द स्टैंडर्ड अमेरिकन जो कि काफी ईजी होता है समझना और उसमें आई थिंक टोटल मार्क्स होते हैं वन ट्वेंटी एंड इफ यू गेट 90 सो इट्स वेल एंड गुड यू आर लाइक गुड टू गो तो मिनिमम आपके नाइन्टी हो और लाइक नाइंटी और ग्रेटर देन नाइन्टी थर्ड चीज़ है हमारा पर्सनल स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कुछ यूनिवर्सिटीज़ पर्सनल स्टेटमेंट मांगती हैं और कुछ कहती हैं कि आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस दें इन दोनों में एक्चुअली बहुत फ़र्क है एंड दिस इज़ द पॉइंट लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसे मिक्सअप कर देते हैं जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है उसमें हमें बताना है कि हम करना क्या चाह रहे हैं हमारे लाइक अकेडमी के प्रोफेशनल गोल्स क्या हैं हमारी अकेडमी का प्रोफेशनल स्किल्स क्या रही हैं और वो थोड़ा सा फॉर्मल टोन में होता है और हमारा जो पर्सनल स्टेटमेंट है उसमें हम अपनी मोटिवेशन बताते हैं कि हम इस प्रोग्राम के लिए क्यों अप्लाई करना चाह रहे हैं लाइक इन पर्सनल सेंस नॉट लाइक कि आपकी आपकी कैरियर में या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में इसकी क्या वैल्यू है जस्ट लाइक इन अ पर्सनल सेंस आपका पर्सनल मोटिव क्या है एंड यू हैव टू लाइक टेल के आपका रिसर्च में किस तरह इंटरेस्ट डेवलप हुआ आपने यहाँ पे पर्टिकुलरली क्यों अप्लाई करने का सोचा है और आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस आपने कोई चैलेंजेस ओवरकम किए हो आपकी लाइक अकम्पलिशमेंट इवन अकेडमिक पर्सनल यू कैन एड बोथ ऑफ दम इन दी पर्सनल स्टेटमेंट और इसका फॉर्मेट थोड़ा सा लेस फॉर्मल होता है अब कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लाइक जो एस ओ पी को हमारे पर्सनल स्टेटमेंट से डिफ्रेंशेट करते हैं अब अगर हम एस ओ पी लिख रहे हैं तो हमें ये देखना होगा कि हमारे फ्यूचर गोल्स क्या हैं लाइक like हमें रिसर्च में जाना है या हमें अपनी लाइक प्रोफेशनल लाइफ के लिए हम ये मास्टर्स कवर कर रहे हैं वट एवर इट इज़ यू जस्ट हैव टू पुट इट इन अ वेरी फॉर्मल वे उसके अलावा आपको ये भी देखना होगा कि आप प्रोग्राम को और जो प्रोफेसर हैं उन्हें उनकी थोड़ी आपकी रिसर्च हुई भी हो आपको पता हो कि यहाँ ये यूनिवर्सिटी क्या प्रोग्राम ऑफर कर रही है इनके पास प्रोजेक्ट्स में क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं और जो प्रोफेसर हैं उनकी क्या उनका क्या मेन रिसर्च एरिया है तो इफ़ यू कैन रिलेट कि मैं आप मैं इस यूनिवर्सिटी में किस तरह फिट होता हूँ या होती हूँ इट वुड बी बीड एडवांटेज इन योर एस उसके अलावा आपको ये भी बताना होगा लाइक फोकस ऑन योर अकेडमिक एंड प्रोफेशनल अकॉम्पलिशमेंट इसमें एस ओ पी में कभी भी पर्सनल अकम्पलिशमेंट्स को एड नहीं करते हैं राइट अबाउट योर पब्लिकेशन राइट अबाउट योर लाइक प्रोजेक्ट कॉम्पिटिशन और सम अदर Like it should be academic, or it should be like professional. Your internships, your like job experience, or you You have to add it in the statement of purpose. Do not add any like extra co-curricular activities. Like I volunteered for like, whatever hote hain as a volunteer experience. Jinkar apki academic, say academic CV फोकस ना हो उसे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस से दूर रखेगा देन वी गो फॉर पर्सनल स्टेटमेंट पर्सनल स्टेटमेंट में हमेशा आपका जाती टच आना चाहिए ये ना लगे कि आपने किसी और का पर्सनल स्टेटमेंट या किसी और की लाइफ उठा के कॉपी पेस्ट कर दिए एंड यू जस्ट रोट द होल थिंग अप आपको एक स्टोरी की तरह इसे इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए नॉर्मली स्टूडेंट्स स्टोरी की तरह लिखते हैं यू मस्ट हैव सीन जो अभी हार्वर्ड कि हार्वर्ड में एडमिशन के लिए एक स्टूडेंट ने लेटर लिखा था लाइक पर्सनल स्टेटमेंट लिखा था एंड इट गॉट हर एक्सेप्टेड इन टू लाइक थ्री और फोर आई विल यूनिवर्सिटीज़ तो उसने अपना जो पर्सनल उसका ज़ाती एक्सपीरियंस था वो उसने बताया था अपना बयान किया था कि मेरा यू में आने के बाद किस तरह मैंने लाइक पर्सनल चैलेंजेस ओवरकम किए इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज सो इसमें आपका एक पर्सनल एक ज़ाती टच होना चाहिए और आपकी इस पे फोकस होना चाहिए आपकी पर्सनल मोटिवेशन पे कि आप क्यों अप्लाई करना चाह रहे हैं रीज़न क्या है एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन कि आपकी जैसे वीकनेसेस थी या फिर चैलेंजेस जो आपने अपनी पास लाइफ में ओवरकम किए और आप इस स्टेज तक आए और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात लाइक बी ऑथेंटिक ट्राई नॉट टू कॉपी समन एल्स लाइफ ट्राई नॉट टू कॉपी समल्स एल्स वर्क क्योंकि जब आप इनकेस अगर आप इंटरव्यू में आते हैं या फिर कोई ऐसी स्टेज आती है कि दे आर इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू दैन इट इट वु साउंड फेक लीव मी सो ट्राई टू बी ऑथेंटिक ट्राई टू राइट अबाउट योर ओन लाइफ हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ मुश्किल होता है कुछ ना कुछ बहुत ऐसा चैलेंज होता है जो उन्होंने ओवरकम किया होता है सो ट्राई टू फोकस ऑन योर ओन लाइफ डोंट लाइक गो एंड सर्च फॉर लाइक ऑल द वर्ल्ड लीडर्स और फिर उनका कोई ना कोई पार्ट कॉपी किया हुआ है क्योंकि नॉर्मली पीपल डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स एंड देन वी नीड रेफरेंस लेटर्स इट डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज को दो लेटर्स चाहिए होते हैं और कुछ कहती हैं कि वी नीड थ्री सो अगर आप अकैडमिक लाइक uh, like अभी आप यूनिवर्सिटी से रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं तो ट्राई टू गेट मोस्ट ऑफ देम फ्रॉम योर प्रोफेसर स्पेशली जो आपके प्रोजेक्ट सुपरवाइजर हों उनसे लें एंड टीचर जिसने आपको uh, जो आपको अच्छी कैपेसिटी में जानते या तो, like, हो या फिर उन्हें आपको दो तीन सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़ाए लाइक फैमिलियर हो आपसे अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में हैं और आपको लाइक फाइव इयर्स हो सक हो चुके हैं तो गेट लाइक वन ऑफ द लेटर्स फ्राम योर पॉजिव सो इट हेल्प्स एंड लाइक फिर भी हमें अकेडमिक इवन इफ यू आर इनल लाइफ यू नीड अकेडमिक लेटर्स so try to like uh, be in contact with your professors and i'm i'm sure they'll be willing to write like two or three two or three professors will be there who will be willing to write you a reference letter then your academic cv ye kuch universities and uh, most of them do not require it but if you are like able to provide one it would be an added advantage to your application अकेडमिक सी वी का फॉर्मेट आई थिंक स्कॉलरशिप नेटवर्क पे बहुत दफ़ा कवर हो चुका है सो so, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अपनी लाइक नो एक्स्ट्रा लाइक कोई भी एक्स्ट्रा स्किल्स है या ऐसी कोई चीज़ ना लिखें जो आपको एक लाइक अनसूटेबल कैंडिडेट बना दे राइट वो द पॉइंट एंड बी ऑनेस्ट राइट योर इंटर्नशिप राइट योर लाइक एजुकेशन में अपने जो भी आपके अकम्पलिशमेंट्स है राइट right, दोस्त Or uske ilava, agar ki yes, eco-curricular activities and skills and honors and achievements and you can put a section over there and you can write it. Try to make it like one page or like one and a half page max because after undergraduate, most of us do not have that much rich profile to make it like two or three pages. So try to keep it between one and one and a half page. Uske ilava. Which universities copy of passport? Like, you need a scanned copy. But I think most of them These are the public sector universities. Uh, then, about the transcript, for students' GPA have put? So, we have a point like I have noted that after 50s, like the QS ranking of 50s or 60s, three or greater than three CGPA works for all. मिनिमम रिक्वायरमेंट इनकी यही होती है और जो उससे फिफ्टी अबव हैं उन्हें थ्री पॉइंट फाइव या हायर चाहिए होती है ट्राई टू गेट लाइक द मैक्सिमम यू कैन आउट ऑफ योर लाइक जितनी आपकी कैपेसिटी हो ट्राई टू वर्क हार्ड बिकॉज अगर आपकी जी ज़्यादा है तो इट कैन मेक योर एप्लीकेशन स्ट्रॉग और आपके लिए स्कॉलरशिप्स में लाइक एक एडेड बेनिफिट हो जाएगा सो लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट सेक्शन विच इज़ द स्कॉलरशिप्स अब आपने देखा कि हमने यहाँ पे यूनिवर्सिटीज का डिस्कस किया हमने हमनेशियल रिक्वायरमेंट्स डिस्कस की अब हम कुछ स्कॉलरशिप्स होती हैं जो हम एडमिशन से पहले अप्लाई करते।, scholar, so करते हैं नॉर्मली वो एक्सटर्नल होती हैं एंड देन वी हैव द इंटरनल यूनिवर्सटी स्कॉलरशिप्स सो सबसे पहले हम एक्सटर्नल डिस्कस करते हैं यूके में मोस्टली जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आते हैं वो थ्री वेज से आते हैं या तो उनके पास कॉमनवेल्थ जनरल स्कॉलरशिप होती है या फिर कॉमनवेल्थ शेयर्ड स्कॉलरशिप होती है या वो चर्निंग स्कॉलरशिप पे आए होते हैं तो अगर हम जाएँ कॉमनवेल्थ जनरल पे तो इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होती है एज यूजल और हमारे पास फिर हैं रेफरेंस लेटर्स तो रेफरेंस लेटर्स हमें तीन चाहिए होते हैं एंड मोस्टली दो हमारे हों सोर्सेस से और वो ऑनलाइन सबमिशन होती है यानी कि आपके प्रोफेसर को खुद ही वो लाइक ऑनलाइन लिंक के थ्रू सबमिट करवाना पड़ेगा देन एक थर्ड रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट नहीं है लाइक इट इज इट इज लाइक इट एड्स एडेड बेनिफिट टू योर एप्लीकेशन कि अगर आपके पास एडमिशन uh, लेटर हो नॉर्मली ये कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप जनरल वाली अनाउंस होती है अगस्त में और एडमिशन स्टार्ट uh, होती हैं अक्टूबर में या एंड ऑफ या एंड ऑफ अक्टूबर में नॉर्मली स्टार्ट होती हैं सो इफ़ यू आर एबल टू गेट एन एडमिशन लेटर इट्स वेल एंड गुड अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है यू हैव टू लाइक लिस्ट थ्री यूनिवर्सिटीज़ इन योर एप्लीकेशन जिसमें आप एडमिशन uh, लेंगे ट्राई टू लिस्ट ऑल थ्री जिनमें आपको श्योर हो कि यू विल गेट थ्रू दैम तो ये एक मतलब आपके पास ऑप्शन हो जाता है उसके अलावा आपको हाँ उसके अलावा रिसर्च प्लान का एरिया होता है और नॉर्मली मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए ये कंपलसरी नहीं है बट इफ़ यू आर एबल टू गिव दैम एन आइडिया कि आप अपनी रिसर्च के बारे में या आप अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में फोकस्ड हैं तो इट इंक्रीज योर चांसेस बाकी अगर आप नहीं भी इंक्लूड करना चाहें तो इट डजेंट लाइक इफेक्ट दैट मच ऑफ द एप्लीकेशन अब जो कॉमनवेल्थ शेयर कॉमनवेल्थ जनरल स्कॉलरशिप है इसमें हमारी एक नॉमिनेटिंग एजेंसी है एच ई सी हैक वो टेस्ट भी कंडक्ट करती है जिसका पैटर्न गेट की तरह ही होता है और उसके बाद जो स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं लाइक एक कट ऑफ पॉइंट होता है और जो स्टूडेंट्स उससे ऊपर होते हैं उन सबका इंटरव्यू होता है उनमें से फर्दर सिलेक्शन होती है और वो नॉमिनेट होके कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप कमीशन के पास नेम्स जाते हैं उसके बाद हमारे पास है कॉमनवेल्थ शेयर्ड स्कॉलरशिप इसमें एच ई सी या है की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है पर इसमें क्या होता है कि नॉमिनेटिंग एजेंसी यूनिवर्सिटी खुद होती है तो यहाँ पे कॉमनवेल्थ uh, जनरल में एक एडवांटेज है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं बट शेयर्ड में आपके पास ये रिस्ट्रिक्शन है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के कुछ डिपार्टमेंट्स यानी कुछ uh, ऐसे प्रोग्राम्स होंगे जो कॉमनवेल्थ शेयर्ड में ऑफ़र किए जाते हैं और आपको उनमें एडमिशन लेनी होगी और यूनिवर्सिटी आपकी रिकमेंडेशन या आपकी नॉमिनेशन कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप कमीशन को भेजती है और ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपनी एप्लीकेशन में यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन में मेंशन करें कि आप एक शेयर्ड स्कॉलरशिप के कैंडिडेट हैं कॉमनवेल्थ शेयर्ड स्कॉलरशिप के कैंडिडेट हैं उसके लिए भी आपको आपकी वही रिक्वायरमेंट्स हैं लाइक तीन रेफरेंस लेटर्स चाहिए एडमिशन लेटर भी चाहिए होता है लाइक बिकॉज यू आर अपलाइंग डायरेक्टली टू यूनिवर्सिटी आई एल्स का रिजल्ट आपको चाहिए होगा अगर आपको अनकंडिशनल ऑफर लेटर चाहिए तो इट्स बेटर टू गिव आई एस एट दैट पॉइंट और सेम वही बात है कि रिसर्च प्लान अगर आप एड करना चाहें तो इट्स वेल एंड गुड और यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन में आपको याद रखना है कि यू हैव टू मैंशन कि मैं कॉमन वेल्थ शेयर स्कॉलरशिप का कैंडिडेट या उनकी कैंडिडेट हूँ इसकी ओपनिंग्स होती है नॉर्मली एंड ऑफ नवंबर में और फिर ये डिपेंड करता है कि कौन से यूनिवर्सिटी कौन से प्रोग्राम्स ऑफर करती है तो इसकी पूरी एक लिस्ट होती है और हर साल ये अपडेट होती रहती है तो ज़रूरी नहीं है कि जो लास्ट साल आए वो कंफर्म इस दफ़ा भी होंगे और ज़्यादातर ऐड ही होते रहते हैं देन वी हैव दमनिंग स्कॉलरशिप इसमें ये रिस्ट्रिक्शन है जो मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स फेस करते हैं वो ये कि दो साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है पर जो एडेड एडवांटेज है वो ये है कि इस वर्क एक्सपीरियंस में आपका वॉल्टियरशिप इंटर्नशिप और पार्ट टाइम जॉब्स जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ट्यूशंस दी है या किसी ट्यूशन सेंटर में पढ़ा है तो यू कैन ऑल्सो लाइक वर और अगर ये टोटल मिला के दो साल हो जाता है तो यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग टू अचीविंग स्कॉलरशिप इसमें भी यही होता है कि आपको अनकंडीशनल यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन चाहिए होती है और इसमें डिसीजन मेकर ब्रिटिश हाई कमीशन होता है इंस्टेड ऑफ सी एस सी तो ये आपकी नॉमिनेशन ये भी अगस्त में इनकी एप्लीकेशन खुलती हैं जुलाई तक आपको पता चल जाता है कि आप शॉर्ट लिस्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं क्योंकि जो शॉर्ट लिस्ट हुए होते हैं उनके आगे इंटरव्यूज़ होते हैं उसके बाद फिर फाइनल सिलेक्शन होती है इसके इन तीन स्कॉलरशिप्स के अलावा हमारे पास एक न्यू स्कॉलरशिप स्टार्ट हुई है जिसका नाम है कॉमनवेल्थ मेडिकल फेलोशिप्स ये डॉक्टर्स के लिए स्टार्ट हुई है जो लाइक जिन्हें एम किया हुआ हो आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर टाइप्स बट मुझे एम बी का पता है कि दे आर एलिजिबल दो तीन टेस्ट भी हैं कि दो तीन टेस्ट भी आई थिंक उन्हें देने पड़ते हैं लाइक इंटरनेशनल रिकोगशन एज अ डॉक्टर उसके बाद दे आर एलिजिबल टू अपलाई फॉर द मेडिकल फेलोशिप्स एक साल का प्रोग्राम होता है आई थिंक ट्रेनिंग का सो यू कैन लुक इट अप दिस इज़ लाइक अ न्यू थिंग विच वॉज इंट्रोड्यूस लास्ट ईयर अब हम देखें अगर इंटरनल यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप्स तो कुछ मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती हैं लाइक अगर आपकी सी जी पी एक्सेप्शनली हाई है या आपकी आपकी प्रोफाइल में कुछ ना कुछ ऐसा डिफरेंट है जो लाइक सिलेक्शन टीम को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया है जिसने तो यू कैन गेट अ मेरिट स्कॉलरशिप टू और कुछ ऐसी होती हैं जिनके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है और कुछ के लिए आप ऑटोमेटिकली कंसिडर हो जाते हैं तो उसकी रेंज ऑलमोस्ट इतनी होती है कि थर्टी टू सेवेंटी परसेंट ऑफ ट्यूशन फ़ी वो कंसिडर वो लाइक like, डिक्रीज़ uh, कर देते हैं उसके अलावा कुछ और स्कॉलरशिप्स होती हैं वो जो कि यूनिवर्सिटी ख़ुद प्रोवाइड करती है जिसमें ट्यूशन फ़ी और लिविंग एक्सपेंसेस कवर होते हैं ज़्यादातर उनके लिए आप ऑटोमेटिकली कंसिडर नहीं होते हैं तो आपको एक एडिशनल एप्लीकेशन उसके लिए फ़िलआउ करनी पड़ती है For example, we uh, हमारे पास जैसे Rhodes scholarship है, उसमें Rhodes scholarship University of Oxford के लिए है, like for masters. तो उसमें आपको पहले apply करना पड़ता है, they, they open up in August. If you get selected in the scholarship, then you can apply for admission. इस तरह कुछ scholarships होती हैं, like Chancellor's scholarships, which President scholarship. इस तरह की uh, एक university की Think Big scholarship भी थी. सो so, आपको उनके पेजेस भी देखने होंगे नॉर्मली फ़ीस एंड फंडिंग के सेक्शन में ये बताते हैं कि विच यूनिवर्स विच स्कॉलरशिप्स कैन कवर लाइक द फुल एक्सपेंस ट्यूशन फ़ी एंड लिविंग एक्सपेंसेस और कौन सी मेरिट बेस्ड हैं तो ये आप अपने हिसाब से देखें कि आपको आप कहाँ अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप सभी में अप्लाई कर दें ऑल द वन दिच कवर द ट्यूशन फ़ी एंड लिविंग एक्सपेंसेस तो ये हमारा स्कॉलरशिप्स का सेक्शन है

talent hai wo unme hota hai. not everyone is able to get up on the stage and talk so if you are a good public speaker see if you can be able to present a paper in the research in the like a conference how you are able to give presentation on your different marketing ideas team if you are like a lone person to try working on I think the small projects like uh, for example, my engineering background you can work on like hardware and software projects. Uh programming I think zada log nahi chahiye hote individual idea or individual person bhi uh, kar They are able to make a good like uh, a good impact. So agar programming me agar programming apka strength point hai to try to make it relevant and how can you make it relevant it is like you should have some projects which you are able to show on your cv you should have a solution to something like Aapka jo skill hai, wo kisi ke liye solution ho you need to work on this idea then we have the final year project uh final year project se select select field mein हॉट टॉपिक्स या रिसर्च का जो एक्टिव एरिया है वो कौन सा है एंड हम उसमें किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आप ये नहीं कर सकते कि यू पिकअप अ क्वेश्चन जो कि पंद्रह साल या बीस साल पुराना है जो कि ऑलरेडी हो चुका है और उसी पे आप दोबारा काम करें आपको व्हील दोबारा री इन्वेंट नहीं करना है इवन इफ यू हैव अ स्मॉल कंट्रीब्यूशन इन द एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स तो ये भी आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी बिकॉज जो करेंट हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पर इंफॉर्मेशन कम होती है और उसमें इम्पैक्ट लाइक एवरीबडी इज ट्राइंग टू मेक एन इम्पैक्ट तो ये एक एक्टिव एरिया होगा अगर आपको भी पता हो कि इवन इफ यू आर नॉट एबल टू लाइक गिव अ सॉल्यूशन यू शुड नो के अभी एक्टिव एरिया क्या है और इसमें हो क्या रहा है बिकॉज सम ऑफ द लाइक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का हमारा एक पार्ट होता है लिटरेचर रिव्यू तो ट्राई टू कवर मोस्ट ऑफ द पेपर्स इन दैट एरिया ताकि आपको आइडिया हो के आगे कि, किस डायरेक्शन में काम होने वाला है और अभी तक क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं सो योर फाइनल प्रोजेक्ट शुड बी हेल्पिंग योर एडमिशन लाइक एप्लीकेशन देन वी हैव द रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है हु आर एबल टू राइट रिसर्च पेपर्स इवन इवन इन देयर बैचलर्स और कुछ मैंने देखा है आर एबल टू स्टार्ट देयर Like startup companies, even a small one, during their bachelors. So ये ना सिर्फ आपके अभी like uh, for the application ये सिर्फ application के लिए जरूरी नहीं है, ये आपके lifelong skills build up करता है. For research you know how to conduct a research. आपको ये पता है कि आपने लिखना किस तरह है. और आपको papers पढ़ने का एक तरीका आ जाता है. Even if your research paper or your research publication is an article. इन अ वेरी कॉमन जर्नल डजेंट मैटर यू शुड बी एबल टू जस्ट नो कि आपने उसमें से आउटपुट क्या लिया है एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि रिसर्च पेपर किस तरह पढ़ने हैं तो अगर आपको किसी की रिसर्च समझ आ रही है और आप उसमें देख सकते हैं कि ये कौन कौन से एरियाज इन्हें कवर किए हैं तो आप डेफिनेटली ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस पूरी रिसर्च में गैप क्या है और ये आपको शायद अभी तो काम नहीं आएगा पर ये आपको मास्टर्स के प्रोजेक्ट में और पीएचडी के डिजर्टेशन में बहुत काम आएगा इफ़ यू आर इंटर्निंग टू गो दैट वे अगर आपका स्मॉल स्टार्टअप है तो ऑब्वियसली इफ़ यू आर डूइंग अ मास्टर्स और अगर आपका आगे लाइक नॉर्मली पीपल डू गो फॉर पी एच डी टू इन पाकिस्तान तो इससे आपकी इन्फॉर्मेशन में लाइक like, इजाफा ही होगा एंड इट वुड हेल्प यूर स्मॉल कंपनी इफ यू आर Like planning to increase it on a large scale or looking for a merger, so this is a good idea. Hai. And these two factors make your application very strong. Uske ilawa, internships and relevant work experience. Internships, for example, jaise a biomedical engineer to maine hospitals mein ki thi, labs mein ki thi. internship. Uske ilawa agar work experience apne, for example. लाइक like, नॉर्मली हम किसी भी चीज़ को रेलिवेंट तो नहीं लाइक like, रेलिवेंट के सर्कल से बाहर तो नहीं निकाल सकते क्योंकि वेर एवर यू वर्क यू आर एबल लाइक गेन अ न्यू नॉलेज कुछ ना कुछ इंसान नया सीखता है और वो अपनी फील्ड में अप्लाई करने जैसा होता है सो एनी वर्क एक्सपीरियंस और एनी इंटर्नशिप यू हैव दैट्स अबोनस पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको ये पता हो कि जो आपके पास स्किल्स हैं वो आप कन्वे किस तरह कर सकते हैं सामने वाले को बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली होश्यार होते हैं बट दे आर नॉट एबल टू राइट समथिंग जो कि आपका स्किल सेट बताए और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो इतने ज़्यादा होश्यार नहीं होते हैं लाइक ट्रेडिशनल वे ऑफ सींगश्यार थिंग तो अगर वो इतना ज़्यादा लाइक वी कैन से मे बी लाइक दे डो नॉट हैव दैट ग्रेट जी पी ए और समथिंग बट दे आर एबल टू कन्वे के हमने क्या सीखा एंड हाउ इट इज़ इम्पैक्टफुल और अ गुड इम्पैक्ट टू योर सोल्यूशन और योर Environment. So, have a good skill set and also work how to improve your communication skills. Obviously, communication skills, wo part hai, puri kam karta hai. you need to work on that and you need to know how to communicate in a written way. So, don't be humble and don't be like too show off. You just be straightforward, and sometimes a formal tone is the best tone uske current research trends So, research trends change global events for example abhi covid-19 pandemic children, we have seen like how many like many startups have started making uh, ventilators many startups have started like uh, the 3d printing startups have started printing out the hazmat suits and the masks and the gloves तो इंडस्ट्री का लाइक like, एक फैक्टर चेंज हो जाता है इस तरह एंड अभी जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे वैक्सीन के लिए भी काम हो रहा है तो कभी भी वैक्सीन और लाइक uh, like, वैक्सीन का इतना ज्यादा मेजर हॉटस्पॉट एरिया नहीं होता था इन यूके बट करेंटली जैसे ही ये पेंडामिक स्टार्ट हुआ सॉ लाइक टू मेजर यूनिवर्सिटीज जो यहाँ पे वैक्सीन पे काम करना शुरू हो गई क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट हो गई काम स्पीडअप हुआ उसके हिसाब से ग्रांट्स भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज को मिले और जो स्टूडेंट्स इस चीज में इन्वॉल्व थे दे वर लाइक इवन द पी एच डी आज टू लाइक वर्क ऑन लीव देर प्रोजेक्ट एंड वर्क ऑन दैक्सन पार्ट तो रिसर्च ट्रेंड्स एक्चुअली ग्लोबल इवेंट्स की वजह से चेंज होते रहते हैं अभी हम देखेंगे जैसे इनशाला जब ये खत्म हो जाएगा पैंडेमिक तो हमारा लाइक मेजर यूनिवर्सिटीज का और जो रिसर्च कंपनीज हैं उनका फोकस ये होगा कि हाउ टू प्रिवेंट अ नेक्स्ट पैंडमिक और हम पहले से तैयार हों तो देयर कुड भी लाइक वाइड एरे ऑफ एरिया जो उसमें से शुरू होगा वी कैनॉट एंटिसपेटेड एट द मोमेंट हमें नहीं पता कि क्या न्यू एरिया अराइज होंगे वी कैनोट भी प्रडिक्टड पर हमें पता नहीं है इस, इसी एक पैंडामिक में हमने देखा है कि लाइक फेक न्यूज़ की सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा हुई है So Twitter and WhatsApp and Facebook they are working on algorithms to stop the deep fakes on media deep fakes are the videos or the like the fake news which is generated on the social media using the deep learning deep learning a subset of AI machine learning where you are able to train an algorithm on based on the data sets different data sets and then uh, you are able to like uh, for Example, just say a robot, hai, you can train the robot's AI to walk, and after 12 hours, it can walk on its own. You do not have to like program each motor to walk. Isi uh, girl for example, algorithm ko train on recognizing the uh, fake news, then uh, the fake news on the social media can be detected. Abhi, इतना कोई एफिशिएंट अलग नहीं आया सामने तभी ये एक एक्टिव एरिया है एट द मोमेंट फॉर ऑल ऑफ द सोशल मीडिया नेटवर्क्स तो ये भी एक न्यू रिसर्च लेंट है जो हमारे पास सामने आ सकता है बिकॉज जो हिस्टेरिया जो एक मास हिस्टेरिया इस पूरे पैंडमिक ने क्रिएट किया था उसकी वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ है एज कम्पेयर टू जो पहले एच वन एन वन टाइप फ्लूज हुए थे तो I think this would be also a major area, which active होगा. Then obviously green energy and minimum carbon dioxide emission has active area for like the past 2-3 years. And it is expected that this like, trend will continue cover Electric cars, obviously. Our uh, battery development small, safe and compact and या इस टाइप के हमारे और भी होंगे जो कि व्हीकल डेवलपमेंट एंड ऑटोनॉमस व्हीकल्स ऑटोनॉमस रोबोट्स ये भी एक हमारा एक्टिव एरिया रहेगा डीप लर्निंग का जैसे मैंने आपको बताया भी यूज तो उस तरह की और भी बहुत एप्लीकेशन हो सकती हैं हेल्थ केयर में पर्सनलाइज हेल्थ केयर बिकॉज नॉर्मली अगर हम देखते हैं जो भी हमारा लाइक इलाज होता है वो यू कैन नॉट लाइक अप्लाई टू ऑल ऑफ द पीपल हर इंसान के लिए अगर उसका पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर सिस्टम होगा तो इट इज़ इजी फॉर द डॉक्टर टू मॉनिटर कि क्या गलत जा रहा है और इवन नॉट जस्ट द डॉक्टर इवन दैट पर्सन कैन सी कि क्या गलत हो रहा है एंड व्हाट कैन आई डू टू लाइक इफ लाइक दिस दिस होल डिवाइस इज ट्रेन टू टेल द पेशेंट कि अभी ये आपका फॉर एग्जाम्पल एक थ्रेशोल होना चाहिए था ब्लड शुगर लेवल का और इससे लो है या ज़्यादा है person knows ki abhi mujhe kya major lena hai and it would also be able to like alert the patient so is tarah ki ideas hain like you can apply to personalized healthcare or sirf hamari sirf healthcare mein humare, like is ki devices nahi we are also working on sensors mostly non invasive sensors because sensing is one of the major part of the, like uh, most of the monitoring in the real world उसके अलावा हमारे रियल टाइम सिस्टम्स जो होते हैं उनकी मॉनिटरिंग के लिए हम क्या तरीका यूज करते हैं तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द रिसर्च जो अभी हमारे ऑन गोइंग तो है फॉर लाइक फाइव लास्ट फाइव ईयर एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू कंटिन्यू ऑन फॉर वॉल सो ये मेरा व्यू है रिगार्डिंग द करंट रिसर्च ट्रेंड्स एंड दैट इज दाई प्रेजेंटेशन Aap mujhe bata sakte hin, jo bhi questions ho, you can share it to me. You can like uh, put them on the comments, and we can I can answer all of those questions. Or agar, if you have like a particular area in mind that you want me to explain more, then do let me know, and I will try to make it work somehow. Okay. Thank you very much for listening. Give me your feedback, and Allah Hafiz. and stay safe.